आगामी 12 मार्च को वार्ड की पार्षद व MIC सदस्य रीता सिंह गेरा के नेतृत्व में भव्य आयोजन महिला दिवस मनाते हुए महिलाओं के सम्मान में किया जाना है। इसे लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। हम बता दें कि रीता सिंह गेरा ने पार्षद चुनाव जीतते ही वार्ड के लोगों की सेवाएं करना शुरू कर दिया था। वही महिलाओं को आगे बढ़ाने व उनके सम्मान में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन 12 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्षद रीता सिंह गेरा ने आयोजन को लेकर जानकारी दी, साथ ही आयोजन का उद्देश्य भी बताया। थाने जाएंगे, थाना कोई गलत जगह नहीं है, थाना हमारे लिए ही बना है। हम थाने चलते हैं आपके साथ, आपको डर क्यों लग रहा है? नहीं दीदी, हम कभी थाने नहीं गए। मैंने कहा मैं भी नहीं गई, मैं भी पहले थाने नहीं जाती थी, मैंने भी कभी थाना नहीं देखा था। लेकिन जब से मैंने पार्षद बनी तो मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए सिर्फ काम किया। और मेरा आज भी मकसद होता है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जितनी भी योजनाएं आती है हमारे काका की, मैं जन जन तक पहुंचाती हूँ, एक एक वार्ड तक पहुंचाती हूँ जाकर। मैं लोगों के मजदूर कार्ड, लोगों के जो भी कार्ड की समस्या जो अपनी नहीं होती महिलाओं की दूर, राशन कार्ड वो बनवाती हूँ खड़े होकर उनके लिए। उनको समस्या जो निगम में आती है उनके साथ खड़ी होती हूँ, निगम में उनके बीच जाती हूँ, निगम में उनको लेके जाती हूँ। और मेरी एक टीम है जो रात दिन इसमें काम करती है महिलाओं के उत्थान के लिए, वो टीम हर समय लगी रहती है कार्य करने के लिए। मैंने अपनी एक टीम बनाई है महिला, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। वो टीम निगम के संबंधित काम करती हैं, भूपेश बघेल जी की जो जो योजनाएं हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद है हमारे काका की योजनाएँ लोगों तक पहुँचाना, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को इतनी योजनाएँ दी हैं महिलाओं के लिए, इतने उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज हमारा जो बजट आया आपने देखा कैसा बजट आया, मितानी दीदी लोगों के लिए, सभी के लिए, सभी जो सहायिका उनके लिए, जो भी आंगनबाड़ी में काम करते हैं उनके लिए। इस बार का बजट महिलाओं के लिए विशेष करके बहुत अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्य जो भी हैं उनको लेके मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं उन्हीं की योजनाओं पर काम कर रही हूँ और अमल कर रही हूँ, और उसी के लिए मैं उत्थान के लिए अपने पार्टी के लिए हमेशा काम करती रहूँगी और महिलाओं के उत्थान के लिए मैं हमेशा लड़ती रहूँगी। मेरा एक ही मकसद है महिलाओं को उनका हक दिलाना, महिलाओं को उनका हक दिलाना, महिलाओं को उनको बताना कि तुम्हारे अंदर भी दुर्गा है, तुम्हारे अंदर भी माँ सरस्वती है, तुम्हारे अंदर भी सब कुछ है, लेकिन अपने डर को निकाल के फेंको। डर को नहीं निकाल पाती उन लोग डरती रहती हैं, और मेरा काम है उनके डर को निकालना और उनको बाहर लाना और उनको अच्छे कार्य उनके जो भी हैं उनको वो बाहर लाना। महिला दिवस का कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण टीम के लिए रखा गया है, महिलाओं को सम्मानित करने के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नेताजी सूर्या जी आ रही हैं, कुलो देवी नेताम जी आ रही हैं, राज्यसभा सदस्य अच्छे रावत मैडम जी आ रही हैं, सभी इसमें बड़े बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। महिलाएँ इसमें काफ़ी संख्या में जुटेंगी, बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। महिलाओं की बहुत ही उम्मीद की जा रही है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी इस बार, और ये पहली बार ऐसा दुर्ग और भिलाई में ऐसा कार्यक्रम होगा जो काफ़ी भव्य होगा महिला दिवस। इसमें हम बहुत सारी चिकित्सा जगत की हैं, लेक्चरार हैं, कोई पुलिस विभाग से है, कोई मतलब कोरोना काल में जिन्होंने काम किया, कोई महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। इसमें 50 से ज़्यादा महिलाओं का सम्मान करने जा रही है।